दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती में अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाती दिख रही है। लेकिन उससे पहले बीजेपी के दिल्ली प्रदेश दफ्तर पर लगा एक पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर के सामने आने के बाद अटकलें लगनी लगी है, साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि नतीजे आने से पहले ही बीजेपी ने स्वीकारी अपनी हार। क्या बीजेपी को दिल्ली चुनाव में हार का एहसास हो गया था? दरअसल बीजेपी के दिल्ली दफ्तर में एक पोस्टर लगा है जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की फोटो है और लिखा है, विजय से हम अहंकारी नहीं होते और पराजय से हम निराश नहीं होते। इस पोस्टर को बीजेपी की दिल्ली इकाई ने ही लगाया है। हालांकि वोटों की गिनती से पहले बीजेपी नेताओं ने जीत का दावा किया है। दिल्ली बीजेपी के प्रमुख मनोज तिवारी ने वोटों की गिनती से पहले कहा था कि मैं नर्वस नहीं हूं, मुझे विश्वास है कि यह बीजेपी के लिए अच्छा दिन होगा। हम दिल्ली में सत्ता में आ रहे हैं, अगर हम 55 सीटें जीतते हैं तो आश्चर्यचकित न हो। इससे पहले यही मनोज तिवारी ने 48 सीटें जीतने का दावा किया था। वहीं गिनती से पहले बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद विजय गोयल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। यहां विजय गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी अपने दम पर बहुमत हासिल करेगी। लेकिन अब तक के रुझान जो सामने आए हैं वो बीजेपी के इन नेताओं के दावों के हवा निकालते सामने आ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इशारा चुनाव बाद हुए एग्जिट पोल्स में भी देखने को मिले थे। लगभग तमाम एग्जिट पोल्स में भारी बहुमत के साथ आम आदमी की सरकार बनाने का अनुमान जताया गया था। नतीजे भी कुछ उसी ओर इशारा कर रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। बीजेपी के लिए चुनाव का नाक का सवाल बन चुका था। यही वजह थी कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता सड़कों और गलियों की खाक छानने में जुट गए। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद पार्टी के पक्ष में पर्चे बांटते दिखाई दिए, लेकिन बीजेपी की मेहनत रंग लाने में नाकाम रही। लेकिन नतीजों से पहले जिस तरह पार्टी दफ्तर पर यह पोस्टर लगाया गया है उससे ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि तमाम दावों के बीच बीजेपी को हार का एहसास हो गया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।